नमस्कार, मैं हूं वैशाली शेट्टी, आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं मुंबई और महाराष्ट्र की 10 बड़ी खबरों पर। नए साल से पहले महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ा रहा है चिंता। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 129 नए मामले आए सामने। मुंबई में सामने आए कोरोना के 5 मरीज। लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर इंडिया गठबंधन में टकराव। महाराष्ट्र में उद्धव गुट ने कांग्रेस को दिखाई आग। बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। महंगाई की मार झेल रहे मुंबईकरों को बीएमसी ने दिया एक और बड़ा झटका। बीएमसी ने आर्थिक वर्ष 2023-24 के लिए भेजे 15% तक बढ़े प्रॉपर्टी टैक्स बिल। हालांकि कमिश्नर ने दी सफाई, कहा नहीं बढ़ाया गया प्रॉपर्टी टैक्स। आर्थिक राजधानी मुंबई में हर साल बढ़ता जा रहा है प्लास्टिक के बोतल का इस्तेमाल। बीएमसी और राज्य सरकार की तमाम कोशिशें हुई फेल। इस साल जनवरी से अक्टूबर के बीच बीएमसी ने 54 लाख किलो प्लास्टिक किया इकट्ठा। शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे के विधानसभा क्षेत्र वर्ली वासियों की पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए बीएमसी उठाएगी बड़ा कदम। 216 करोड़ की लागत से बनाएगी अंडरग्राउंड पार्किंग। करीब 550 गाड़ियों को पार्क करने की मिलेगी सुविधा। आरक्षण के लिए राशन पानी लेकर लंबी लड़ाई लड़ने मुंबई आएंगे मराठा। मनोज आरंगे पाटिल ने कहा, मुंबई में होने वाला आंदोलन में 3 करोड़ लोगों को शामिल होने के लिए बुलाया गया। 20 जनवरी को अपने गांव से पैदल मुंबई के लिए रवाना होंगे पाटिल। मुंबई की माटुंगा पुलिस ने गुजरात के 2 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। 2 महीने में आरोपियों के बैंक खातों में हुआ 60 करोड़ का ट्रांजैक्शन। आरोपियों के पास से 33 डेबिट और क्रेडिट कार्ड, अलग अलग बैंकों के 32 अकाउंट, 6 मोबाइल फोन और 28 सिम कार्ड बरामद। मुंबई के बांद्रा इलाके से आया हैरान कर देने वाला मामला। यहां सिगरेट पीने को लेकर हुए विवाद के बाद एक शख्स की कुछ युवकों ने कर दी हत्या। सिगरेट पीकर मृतक की पत्नी के पास धुआं फूंक रहे थे आरोपी, रोके जाने पर उतारा मौत के घाट। मुंबई और जालना के बीच जल्द शुरू होंगी वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या से वर्चुअली दिखाएंगे हरी झंडी। मराठवाड़ा के यात्रियों को मिलेगी सुविधा। महाराष्ट्र को मिलने जा रही है 7वीं वंदे भारत। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हुआ भीषण सड़क हादसा। तनहानी घाट के पास अचानक से पलट गई यात्रियों से भरी बस। हादसे में 2 यात्रियों की मौत, 50 से अधिक यात्री घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई और महाराष्ट्र की खबरों को देखने के लिए इन 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।